आपने बच्चों के मेले में खो जाने की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जरा सोचिए अगर एक बच्चा उड़ते हुए प्लेन में गायब हो जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है साल 2005 में आई फिल्म फ्लाइट प्लान की। काइल के लिए आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली थी। काइल एक अमेरिकन विमान इंजीनियर है जिसके पति की हाल ही में बर्लिन में मौत हो गई थी। उसे अपने पति का शरीर एक फ्लाइट से अमेरिका ले जाना है। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी जूलिया भी है। इस मुश्किल समय में अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं। वो एक टैक्सी में एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एयरपोर्ट पर जूलिया खो जाती है। अपनी बेटी को वहाँ ना पाकर काइल बेहद परेशान हो गई। उसने अपने आसपास देखा जहाँ हजारों अनजान लोग मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं था तो उसकी बेटी। थोड़ा ढूंढने पर जूलिया उसे एक छोटी दुकान के पास खड़ी हुई मिली। काइल अपनी बेटी को गुस्से से समझाती है कि उसकी इजाज़त के बिना वो कहीं नहीं जाएगी। वो दोनों एक विमान में चढ़ते हैं। पता चलता है कि इसे काइल ने खुद डिज़ाइन किया है। वो कैबिन में सबसे पहले पहुंचे। जूलिया ने खिड़की से बाहर देखा और शीशे पर अपनी उंगली से एक छोटा सा दिल बना दिया। वहां बैठे बैठे काइल की आंख लग गई। नींद से उठकर उसने देखा कि जूलिया अपनी सीट से गायब थी। काइल बाकी यात्रियों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। एक एयर होस्टेस ने उसे सुझाया कि शायद जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल ने प्लेन में आगे बढ़कर देखना शुरू किया, लेकिन वहां भी जूलिया का कोई नामो निशान नहीं था। वो अपनी बेटी को ढूंढना जारी रखती है, लेकिन उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर से अपनी सीट पर चेक किया। कंबल के नीचे से उसे एक हाथ वाला टेडी बियर मिला, लेकिन जूलिया वहां नहीं थी। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि जूलिया अपने टेडी बियर के बिना कहीं नहीं जाती। उसने स्टेफनी नाम की एक एयर होस्टेस से बात की कि वो जूलिया को ढूंढने में उसकी मदद करे। स्टेफनी उसकी बात मानकर प्लेन में एक छोटी बच्ची के खो जाने की घोषणा करती है। थोड़ी देर बाद स्टेफनी ने काइल को बताया कि उनके पास जूलिया के प्लेन पर चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काइल कंफ्यूज हो गई। उसे पक्का विश्वास था कि उसकी बेटी उसके साथ ही थी, इसलिए ये सब साबित करने के लिए उसने उसका बोर्डिंग पास दिखाने की सोची। लेकिन काइल को जूलिया का बोर्डिंग पास कहीं नहीं मिला, और तो और उसकी बेटी का बैग तक वहां से गायब था। इस बात से उसे पूरा भरोसा हो गया कि जूलिया अपनी मर्जी से वहां से नहीं गई थी, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इतनी ऊपर खुद नहीं पहुंच सकती। हम देखते हैं कि जीन कार्सन नाम का एक स्काई मार्शल, जिन्हें हम प्लेन का पुलिस वाला भी कह सकते हैं, काइल पर नज़र रखना शुरू करता है। काइल ने जहाज के कप्तान मार्कस से मिलने की मांग की, ताकि वह उसे भी जूलिया की खोज में शामिल कर सके। जब कप्तान ने सुना कि जूलिया का प्लेन में चढ़ने का ही कोई सबूत नहीं है, तो उसने पूछा कि क्या काइल किसी तरह की कोई दवाई ले रही है। काइल बताती है कि उसके पति की मौत के बाद वो बेचैनी से जूझ रही है, और उसे दबाने के लिए वो नींद की गोलियाँ लेती है। उसने उन्हें बताया कि उसके पति की 6 दिन पहले छत से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। वो कहती है कि वो अब भी ये नहीं मानती कि उसके पति ने खुदकुशी की थी। जहाज के कप्तान और बाकी स्टाफ को लगता है कि शायद काइल अपने पति की मौत की वजह से मानसिक तौर पर पूरी तरह ठीक नहीं है, और अपनी बेटी को साथ लाना भी उसकी एक कल्पना है। लेकिन काइल जूलिया को ढूंढने के लिए उस जहाज का चप्पा चप्पा छान मारने को भी तैयार थी। कप्तान मार्कस ना चाहते हुए भी मान जाता है और सभी मेंबर्स को जांच शुरू करने के लिए भेजता है। केबिन की सारी लाइट्स जला दी गई। स्टेफनी वैमानिक विभाग में देखने गई, लेकिन वहां भी किसी 4 साल की बच्ची का कोई नामो निशान नहीं था। जूलिया को खोजते हुए काइल की नज़र एक इजिप्शियन आदमी पर पड़ी। उसने उससे पूछताछ शुरू की, क्योंकि काइल को वो आदमी देखा देखा सा लग रहा था। वो याद करने की कोशिश करती है कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काइल ने कप्तान मार्कस से जूलिया को कार्गो होल्ड में ढूंढने के लिए कहा। कप्तान मार्कस ने इसकी इजाज़त नहीं दी और गुस्से में काइल से कहा, इस प्लेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं मैम, लेकिन सारा का सारा स्टाफ उनके बारे में ना सोचते हुए आपकी बेटी को ढूंढने में लगा है, लेकिन हमें ये तक नहीं पता कि वो चढ़ी भी थी प्लेन में या नहीं। काइल को कप्तान की ये बात ठीक नहीं लगी। वो भाग कर उस इजिप्शियन आदमी के पास गई और उस पर अपनी बेटी को किडनैप करने का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि पिछली रात यही आदमी उसकी बेटी के बेडरूम में झांक रहा था। इस बात पर वो आदमी बहुत चिढ़ गया। उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने होटल की रिसीट दिखाई जहां वो रुका था। वो होटल काइल के घर से बहुत दूर था। इस सब के बावजूद काइल उस आदमी पर अपने गुनाह को कबूल करने का दबाव डालने लगी, जिसकी वजह से उनमें हाथापाई शुरू हो गई। कार्सन भी अब काइल के रवैये से तंग आ चुका था। उसने कहा कि अब उसे काइल के पति की मौत और अच्छे से समझ में आने लगी है। उसके साथ कुछ घंटे बिताने भर से वो खुद इस प्लेन से नीचे कूदने को हो रहा है, तो उसका पति बेचारा छत से तो नीचे कूद ही सकता है। दूसरी तरफ कप्तान मार्कस को बर्लिन के एक अस्पताल से मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि जूलिया अपने पिता के साथ थी जब वो छत से गिरे, और उसकी भी 6 दिन पहले अंदरूनी चोट लगने से मौत हो गई थी।
अब जहाज के पूरे स्टाफ को लगने लगा कि काइल मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। वो गुस्से में इस बात से इनकार करती है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी जूलिया अभी भी जिंदा है और इसी जहाज पर मौजूद है। कार्सन कहता है कि काइल मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। वो मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसने काइल को हथकड़ी लगाकर उसकी सीट पर बैठा दिया। लीजा नाम की एक थेरेपिस्ट वहां आकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर काइल को अपनी ही सूझबूझ पर शक होने लगा। वो धीरे धीरे अपनी बेटी की मौत को अपनाने लगी, लेकिन फिर उसका ध्यान उस दिल पर गया जो जूलिया ने अपनी उंगली से खिड़की पर बनाया था। उस खिड़की पर उस दिल का होना ये साबित करता है कि काइल मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही। काइल का विश्वास बढ़ने लगा कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसने थेरेपिस्ट को मनाकर बाथरूम जाने के लिए कहा। वो वहां से किसी तरह जहाज के ऊपरी कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने जहाज के बिजली उपकरणों में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से वहां ऑक्सीजन मास्क निकल आए और सारी बत्तियां भी खराब हो गई। सारे यात्री और जहाज का स्टाफ बेचैनी से हड़बड़ाने लगे, लेकिन कार्सन को एहसास हुआ कि इस सब के पीछे काइल का हाथ है। इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर वो जहाज के नीचे वाले डेक में गई। वहां पर उसे अपने पति का ताबूत मिला। उसने ताबूत का ताला खोला और न जाने क्यों उसे शक था कि जूलिया अंदर होगी, लेकिन वहां पर उसके पति के मृत शरीर के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ समय बाद कार्सन भी वहां पहुंच गया। उसने उसे ढूंढ लिया, हथकड़ी लगाई और वापस ले गया। उसने घोषणा की कि फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग के तहत गूस बे एयरपोर्ट पर रुकेगी, जहां से काइल को हिरासत में ले लिया जाए। काइल ने कार्सन से आखिरी गुजारिश की कि प्लेन के लैंड होने पर वो एक बार पूरे प्लेन की तलाशी लेना चाहती है। कार्सन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कप्तान से बात करने का फैसला लिया। हालांकि कप्तान से बात करने की बजाय वो चुपके से फ्लाइट डेक में पहुंच गया। वहां उसने काइल के पति के ताबूत से दो विस्फोटक और एक रिमोट निकाला। वो वहां से वैमानिकी विभाग में गया और विस्फोटक लगा दिया। वहीं प्लेटफॉर्म पर जूलिया सो रही थी। यहां हमें पता चलता है कि इस सब का मास्टरमाइंड असल में कार्सन ही है। कार्सन और स्टेफनी ने हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाई है, जिसके बदले वो $50 मिलियन की फिरौती मांगी है। क्योंकि काइल उस हवाई जहाज के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो सारा इल्जाम उस पर लगा देंगे। उन्होंने जूलिया को भी सिर्फ इसलिए गायब किया था ताकि काइल अपने पति के ताबूत को खोले, जहां कार्सन ने वो विस्फोटक छिपाए थे। कार्सन ने कप्तान को बताया कि काइल हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी दे रही है अगर एयरलाइन ने एक खाते में $50 मिलियन नहीं डाले तो। कार्सन घबराई हुई स्टेफनी को बताता है कि उसने पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ाने की योजना बना ली है। उसके प्लान के हिसाब से वो बाकी सबको तो विस्फोट से पहले प्लेन से बाहर निकाल देगा, लेकिन जूलिया और काइल उस बम धमाके में वहीं मारे जाएंगे। काइल अभी भी जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो बेचैनी से खिड़की के बाहर देखने लगी। बाकी यात्री इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हवाई जहाज के लैंड होने पर सारे यात्री वहां से निकल गए। जब कप्तान नीचे जा रहा था तो काइल उससे पूछताछ करने लगी, जिस पर कप्तान ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा कि फिरौती दी जा चुकी है, अब और क्या चाहिए उसे। काइल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ये सब कार्सन का किया धरा है। कार्सन परिस्थिति का फायदा उठाकर सच को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करता है कि काइल ही आतंकवादी है। काइल सोचती है कि जब उस पर आतंकवादी होने का ठप्पा लग ही चुका है तो क्यों ना वो उसका थोड़ा फायदा उठाए। वो ये मांग करती है कि बचे हुए सब लोग जहाज से उतर जाएं, सिर्फ कार्सन को छोड़कर। कार्सन हिचकिचाने लगा, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इनकार किया तो बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जैसे ही प्लेन का दरवाजा बंद हुआ, काइल ने एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को कार्सन के सर पे दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। उसने उसे हथकड़ी से बांधा और उसकी जेब से रिमोट ले लिया। उसके सामने से स्टेफनी निकलकर बाहर आई। कुछ समय बाद कार्सन को होश आया और उठते ही वो काइल को ढूंढने लगा। वो उसे देखते ही उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो अपने आप को कॉकपिट में बंद कर लेती है। उसने एक छोटे दरवाजे से एक डब्बा ऊपर की तरफ फेंक दिया ताकि कार्सन को बेवकूफ बना सके कि वो उस तरफ जा रही है। कार्सन ने ऊपर से आई आवाज सुनी और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब काइल वहां से बाहर आई तो उसने देखा कि स्टेफनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे, लेकिन काइल ने उसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का दिया। स्टेफनी डर कर वहां से भाग खड़ी हुई। काइल वैमानिक विभाग में अपनी बेटी की खोज जारी रखती है, जहां उसे जूलिया बेहोश हालत में मिली। वो तुरंत उसे गले लगाकर उठा लेती है। कार्सन उन्हें ढूंढते हुए बताता है कि काइल के पति की हत्या उसी ने की थी ताकि वो उसके ताबूत में विस्फोटक छिपा सके। वो जानता था कि काइल के औहदे की वजह से उसके पति के ताबूत की एयरपोर्ट पर जांच नहीं की जाएगी। काइल जल्दी से जूलिया को लेकर विमान के एक ऐसे हिस्से में छिप गई जहां पर आग से बचा जा सकता था। रिमोट उसके हाथ में था।
कार्सन ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन काइल ने सही समय पर दरवाजा बंद कर दिया। उसने रिमोट से बम को फोड़ दिया, जिससे हवाई जहाज में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में कार्सन मारा गया। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने अपनी आंखों से उस धमाके को देखा। कुछ देर बाद धुएं के उस बादल से एक परछाई उन लोगों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। हमें दिखता है कि काइल अपनी बेटी के साथ सही सलामत बाहर आ गई थी। सभी लोगों को उसे देखकर एहसास होता है कि वो इतने समय से सच बोल रही थी। अगली सुबह हवाई जहाज का कप्तान काइल से आकर अपनी भूल के लिए माफी मांगता है। हम देखते हैं कि स्टेफनी को FBI हथकड़ी लगा कर ले गई। तभी एक एजेंट ने उन्हें बताया कि बर्लिन के मुर्दाघर के प्रभारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। काइल जूलिया को लेकर यात्रियों के पास से गुजरती है, जिन्हें अब सच पता चल चुका था। सभी लोग हैरान थे और कुछ हद तक शर्मिंदा भी, क्योंकि उनमें से किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। जब वो एक गाड़ी से वापस जाने वाले थे, तो जूलिया नींद से उठी और अपनी माँ से पूछा कि क्या वो पहुँच गए। उसकी माँ ने उसे प्यार से कहा, हाँ। तो कैसी लगी आपको ये अनोखी कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।